बरेली में भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार शाम एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों समेत शहरवासी शामिल हुए। यह विशाल तिरंगा यात्रा शहर के डीडीपुरम से शुरू होकर कुहाड़ा पीर, कुतुब खाना, कोतवाली अयूब खां चौराहा और चौकी चौराहे के होते हुए कमिश्नरी में बने शहीद स्मारक पर संपन्न हुई। इस दौरान वन मंत्री अरुण कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा में शामिल बीजेपी एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने बताया, शहर के बच्चे बच्चे को अपने देश के बारे में पता होना चाहिए। इस तिरंगा यात्रा के जरिए वह देश प्रेम की भावना जगा रहे हैं। सभी को देश के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलशन आनंद ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया है, जो देश के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बरेली में 15 अगस्त तक बीजेपी हर घर में तिरंगा लगवाएगी, जिससे आज़ादी के इस स्वर्णिम दिन को सभी याद रखें। आज तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे यह उद्देश्य है कि सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल होकर एकता की मिसाल कायम करें। वहीं एमएलसी कुंवर महाराज सिंह ने बताया, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के शहीदों को याद किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। बरेली मेयर उमेश गौतम ने कहा, देश में देशभक्ति का माहौल बना हुआ है, जिसमें सभी लोग हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हो रहे हैं। भारत वर्ष की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा नहीं, वो तो होगा ही, हर दिल के अंदर, हर घर के अंदर तिरंगा हो, ये पार्टी की एक योजना है। और पार्टी ने एक निर्णय लिया, इनिशिएटिव पार्टी लेगी, लेकिन पूरे समाज, पूरा व्यापारी वर्ग, हर कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें हर घर तिरंगा। और ये वो तिरंगा है मित्रों, जिसकी आन बान शान के लिए सीमा पर जवान अपने प्राण देता है और उसका शरीर गिरने से पहले दूसरा जवान आकर तिरंगा थाम लेता है। हम चाहते हैं ऐसे ही ये तिरंगा हर दिल के अंदर रहे, आन बान और शान के अंदर ये तिरंगा लहता रहे, ये योजना है। तिरंगा यात्रा जो अमृत महोत्सव चल रहा है और आज़ादी के 75 वर्ष हम लोग पूरे करने जा रहे हैं, उसी उपलक्ष्य में पूरे देश में जश्न का माहौल है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके निर्देश पर, उनके नेतृत्व में पूरे देश में आज़ादी का जो 75वां वर्ष हमारा चल रहा है, उसके लिए जश्न में हम लोग, जिन्होंने बलिदान किया, जिन्होंने त्याग किया, जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन सबको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और आज़ादी का, अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज ये तिरंगा यात्रा, ये पूरे बरेली के सब लोग हैं इसमें, बिना किसी भेदभाव के हम सब लोग, हमारे नेता शामिल हैं, हमारे कार्यकर्ता शामिल हैं, आम नागरिक यहाँ का शामिल है, सब लोग मिलकर के ये तिरंगा यात्रा और हम लोग कमिश्नरी तक ले जाने का काम करें। ये हर घर तिरंगा यात्रा जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, आज इस यात्रा में जो जोश बच्चों से लेके बुजुर्गों का दिखाई दे रहा है, तो आह्वान है कि हर घर तिरंगा लगे। पर मुझे ये जोश देख के दिखाई देता है कि हर घर में बच्चा भी तिरंगा लगाना चाहता है, युवा भी तिरंगा लगाना चाहता है और बुजुर्ग भी तिरंगा लगाना चाहता है। तो हर घर, हर व्यावसायिक प्रतिष्ठान में एक नहीं, बरेली में अनेकों तिरंगा लगने जा रहे हैं और हम सब उसके साक्षी बनेंगे आपके माध्यम से। भारत माता की जय। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो अब इस महोत्सव को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए, आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है, उसका जो तिरंगा यात्रा है, खासतौर से जो तिरंगा घर पे लगा रहे हैं, उस अभियान का एक ही मकसद है कि उस, जब 17 तारीख के बाद उस तिरंगा को उतार कर हमने कहा है कि उसको गहने की तरह रखें, जिससे कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो ये भी देखे कि ये जो हमारे बुजुर्ग या उस समय के युवा या बच्चे थे, उन्होंने आज़ादी का जब 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया था, तब इस गहने को छत पर लगाया था, तो इससे आने वाली पीढ़ी में भी हिंदुस्तान के प्रति, अपने देश के प्रति देशभक्ति जागेगी। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई और कार्य हो नहीं सकता, देशभक्ति जगाने के लिए भी, और ये भावनाएँ सारे लोगों में दिखाई दे रही हैं, उसके लिए भी मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ।